हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, लगातार संघर्ष जारी है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पीएससी के नाम सौंपा गया ज्ञापन। जमीनी स्तर की टीम को लगातार धन्यवाद जो संघर्ष कर रहे हैं। दोस्तों, पूरी न्यूज़ में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि लगातार संघर्ष जारी है दोस्तों, और जो जमीनी स्तर की टीम है उन्हें दिल से धन्यवाद कि आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं। सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की स्थायी भर्ती कराने हेतु लोक सेवा आयोग कार्यालय के सामने प्रदर्शन। शीघ्र विज्ञप्ति जारी कराने के लिए आयोग के अध्यक्ष के नाम सौंपा गया ज्ञापन। सोमवार को लोक सेवा आयोग कार्यालय पहुंचकर नेट सेट एवं पीएचडी धारियों ने आयोग के अध्यक्ष के प्रदेश में शीघ्र असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2022 हेतु विज्ञप्ति जारी कराने के संदर्भ में ज्ञापन पत्र सौंपा। ज्ञात हो कि पिछले कई वर्षों में प्रदेश के शासकीय कॉलेजों में स्थायी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां नहीं हुई है, जबकि प्रदेश के हजारों नेट सेट एवं पीएचडी धारी शिक्षित युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। कई दिनों में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन सिंह यादव जी इस असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती कर रहे हैं, परंतु अभी तक विज्ञप्ति जारी न होने से आक्रोशित अभ्यर्थियों ने लोक सेवा आयोग कार्यालय इंदौर पहुंचकर जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। साथ ही चेतावनी दी कि अगर जल्दी जल्द विज्ञप्ति जारी नहीं हुई तब बहुत जल्दी भोपाल पहुंचकर उच्च शिक्षा मंत्री एवं मुख्यमंत्री के बंगले का घेराव किया जाएगा। नेट सेट पीएचडी संघ के ओर से डॉक्टर श्री घनश्याम एवं श्री रंजीत गौर जी ने प्रेस नोट जारी कर बताया है कि एक तरफ शासन नई शिक्षा नीति 2020 लागू कर रही, दूसरी तरफ अतिथि विद्वानों से शासकीय कॉलेजों में अध्यापन कार्य कराया जा रहा है। ज्ञापन पत्र के अधिकतम रिक्त पदों पर स्थायी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के साथ साथ प्रदेश के मूल निवासियों को पहली प्राथमिकता दिलाने की मांग भी की गई है। ज्ञापन पत्र सौंपने वालों में प्रमुख ये पूरी टीम के नाम है दोस्तों। तो सभी को दिल से धन्यवाद कि आप लगातार संघर्ष कर रहे हो। निश्चित रूप से आपके जो संघर्ष हैं वो सफलता में तब्दील होंगे। 100% जो है न्याय हो और सहायक जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती है वो कंप्लीट की जाए, यही सभी की मांग है। इस मुहिम से संबंधित और अपडेट मिलेगी मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा। तो श्री हमारे रंजीत गौर जी को दिल से धन्यवाद। लगातार वो संघर्ष कर रहे हैं, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की बात हो, चाहे शिक्षक भर्ती वर्ग एक वर्ग दो वर्ग तीन की पद वृद्धि की बात हो या सेकंड काउंसलिंग की बात हो, संघर्ष लगातार जारी है। आप सभी के सहयोग से सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।